हमेशा ही बहुत गंभीर है और देश के सामने पार्टी की ओर से बात आनी चाहिए। बात अगस्ता वेस्टलैंड के किकबैक की करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देश में देखा होगा, एक समय एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी होती थी, जेनसन निकोलसन, उनका एक बैनर देश भर में लगा होता था, व्हेनेवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस, जब भी रंगों को देखो हमारे बारे में सोचो। इसको थोड़ा मैं बदल के रखना चाहता हूं, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ किकबैक इन ए मिलिट्री डील ऑफ डिफेंस, थिंक ऑफ सम कांग्रेस लीडर्स। आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हाउविट्जर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए अगस्ता वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुट अप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। ये तो थोड़ा विषय पुराना हो गया है, आज अखबार में एक विषय विस्तार से छपा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी यूपीए का ही लिगेसी है। संजय, हमें सत्ता में आए हुए 6 साल पूरे हो गए लेकिन यूपीए की विरासत खत्म नहीं होती अभी तक। ये भी अपने आप एक यूनिक विषय है। आपको मालूम है कि 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी। क्योंकि हम लोग एमआई से उड़ते हैं, कई बार मुझे भी उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, वो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए तो एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में। इटली ने जो मिस्टर ओरसी थे, अगस्ता वेस्टर्न की पेरेंट कंपनी फेमानिका, उसको गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो उनके पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूरी में फरवरी 2013 में ऑर्डर करना पड़ा फॉर ए सीबीआई इंक्वायरी। उस समय हम लोग भी हाउस में थे, राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूपीए का होता था, कोई विषय आए तो क्या कहते हैं, जेपीसी बना दो। और मुझे अभी भी याद है कि 27 फरवरी 2013 को कांग्रेस ने कहा हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, ईमानदारी से जांच जेपीसी में हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2G का हाल देखा था, मैं 2G का मेंबर था जेपीसी का, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग बहुत कस के विरोध किए और बाद में जेपीसी नहीं बन पाई। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आपको मालूम है उस समय के एयरफोर्स चीफ मिस्टर त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग पुरानी बातों को याद करिए। और उसके बाद इटली की लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों को, ओरसी को और मिस्टर ये आपके स्पैन गोनोली को, लेकिन अपील कोर्ट ने एक को 4 साल और एक को 5 साल की सजा दी। यह है इटली की कहानी। जब बहुत हंगामा हुआ तो जनवरी 2014 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई जब हम लोग मई में सरकार में आए, तो फिर अक्टूबर में आपके
सितंबर 14 में गौतम खैतान को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान में, उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आज की कहानी पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको और बैकग्राउंड दे देता हूँ। आपको मालूम है क्रिश्चियन मिशेल को वहाँ से दुबई से एक्सट्रैडिट किया गया था, और राजीव सक्सेना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इसमें, उनको भी एक्सट्रैडिट किया गया था। इन दोनों की राजीव सक्सेना ने विस्तार से ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया है, और ईडी को क्या स्टेटमेंट दिया है वहाँ तो कॉग्निजेंस हो गया है, लेकिन आज ये पब्लिक डोमेन में आया है, एक बड़े अखबार में विस्तार से छपा है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा, फिर कुछ सवाल उठाऊँगा, और अखबार मेरे सामने है इसलिए मैं फ़ोटो का मैं ओरिजिनल से पढ़ना चाहता हूँ। ये इसमें तीन नाम आप ध्यान रखिए, पॉलिटिकल नेताओं का नाम बहुत आएगा इसमें। एक है डीलर सुशेषन मोहन गुप्ता, आम डीलर हैं, दूसरे हैं रतुल पुरी, कमलनाथ के भगिने, और एक है राजीव सक्सेना जो किकबैक में एक्सपर्ट थे, सब लेन देन करते थे अपनी कंपनियों के माध्यम से, और दूसरे हैं कृष्ण मिश्चल। सक्सेना की कंपनी का नाम था इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी, और कृष्ण मिश्चल की कंपनी का नाम था ग्लोबल सर्विसेज। तो ये सक्सेना भी गिरफ्तार हुए, दुबई से कृष्ण मिश्चल आए, रतुल पुरी भी गिरफ्तार हुए, और गुप्ता जी भी गिरफ्तार हुए। इतनी कहानी आप याद रखिए। अब जो राजीव सक्सेना का स्टेटमेंट है वो मैं आपको तीन चार पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ, और उस पर सवाल भी करूँगा, लेकिन इसको देश के सामने और लाना ज़रूरी है। सक्सेना टोल्ड ईडी दैट दीज पेऑफ्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स हु वर इन ए पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये किकबैक ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिए गए थे जो उस समय निर्णय कंपनी के पक्ष में करा सके कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। उसके बाद आप दूसरा सुने, सक्सेनाज इंट्रोगेशन फोकसेस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ टू अदर की अगुस्ता वेस्टलैंड ऑल्सो एक्यूज डिफेंस डीलर सुशेषन मोहन गुप्ता एंड फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ सन रातुल पुरी। अब देखिए एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सक्सेना एलेजेस दैट नेम ड्रॉपिंग बाय गुप्ता एंड खैतान वाज लेजेंडरी, दे फ्रीक्वेंटली ड्रॉप नेम्स ऑफ लीडिंग पॉलिटिकल फिगर्स इन देयर कन्वर्सेशन विद ए व्यू टू इंप्रेस अपॉन देयर इन्फ्लुएंस इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। दे ऑफन मेंशन द नेम्स ऑफ सलमान खुर्शीद एंड कमल अंकल, which I deduced was reference to Kamal Nath. और देखिए आप, during my meetings with Sushesan Mohan Gupta and Gautam Khaitan, they often mention political beneficiaries in India. The name AP was mentioned by them and was a reference to Ahmed Patel. Ahmed Patel अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, मेरी प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हो जाए, शुभकामना है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और वो कांग्रेस पार्टी के इम्पॉर्टेंट लीडर हैं जो निर्णय करवाने में सक्षम थे। उसके बाद एक और रोचक कहानी मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर एक और नाम आता है, और वो नाम भी आपके यस श्रीमान सलमान खुर्शीद का था। अब मैं समय के कारण उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। उसने सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया है, और सलमान खुर्शीद ने ये कहा है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध हैं, वो इसमें रिकॉर्ड पर है, और ये इसमें भी आराम से कोटेड है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लीजिए मैं पढ़ देता हूँ। सक्सेना एलेज दैट नेम ड्रॉपिंग बाय गुप्ता एंड खेतान वॉज लेजेंडरी,
frequently drop names of leading political figures. They often mention the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle. उसने लिया। अब सलमान खुर्शीद ने जो कहा है वो भी इसमें कोटेड है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं सुशेषन मोहन गुप्ता, हाँ ये देखिए, when contacted, खुर्शीद said, I am surprised that my name has cropped up as a part of Augusta West investigation. Dev Mohan Gupta, the father of Sushen Mohan Gupta, is a close family friend and I am his well-wisher. कुछ सवाल उठाने के पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, टोटल किकबैक है इसमें 70 million euros. द टोटल किकबैक्स इन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर ब्राइबरी केस इज 70 million. और जैसे मैंने बताया, क्रिश्चियन मिशेल और हशके ने किया, आपको याद होगा, एक हशके हुआ करते थे, उन्होंने एक डायरी लिखी हुई थी, उस डायरी में एपी का भी नाम था और FAM भी था. तो एपी तो क्लियर हो गया है, देश जानना चाहता है कि FAM का मतलब क्या है. इज इट ए फैमिली, इफ इट इज ए फैमिली, हुज फैमिली, ये देश जरूर जानना चाहता है. और बीजेपी की ओर से हम भी आग्रह करते हैं कि ये विषय सामने आना चाहिए कि अगर एपी का अहमद पटेल इंट्रोगेशन में क्लियर हो गया, जो हशके के डायरी में था, तो वहाँ एक FAM भी है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. तो ये 70 million euro का ये कुल किकबैक है. अब आप 70 million euro कितना होता है आपको मालूम है, यूरो को आप जोड़ लीजिए भारत के तुलना में, देख लीजिए कितना हो जाता है. अच्छा, ये रातुलपुरी जो हैं कमलनाथ के भगिना, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, सावनाथ ट्रस्ट, SAVNNAT, सावनाथ ट्रस्ट. और उसमें दो लोग उसके बेनिफिशियरी हैं उस ट्रस्ट के, कौन है, बकुलनाथ और नकुलनाथ. ये दोनों कौन है, कमलनाथ के सुपुत्र हैं. तो ये कहानी जो है अपने आप में बहुत क्लियर है कि क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, बार बार मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं मानूंगा, ये सब कॉम्प्लेन में लिखा हुआ है. अब मुझे एक सवाल करना है, एक क्या कई सवाल करने हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया है, उन नेताओं के बारे में बहुत गंभीर स्टेटमेंट एक्यूज ने दिए हैं, ये सब कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल किया है, चार्जशीट फाइल किया है. ट्रायल तो अपना चलेगा, लेकिन ये गंभीर पॉलिटिकल सवाल है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का किकबैक के रिसिपिएंट के रूप में नाम आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना है कि खामोश रहना है. दूसरी बात हमें कहनी है, फिर आऊंगा, वेन एवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस, ऐसा क्या है कि जब भी किसी डिफेंस डील की चर्चा करिए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आना ही है और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते. व्हाई इज इट, क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक करती है, चाहे वो बोफोर्स हो या पुराने जीप स्कैंडल हो. आज भारत के जवानों के लिए आपको पता है कि एंटी राइफल जो होते हैं पूरे, उसको बोलते हैं जो कवर करते हैं बॉडी में, हाँ, वो नहीं खरीदाया था, वो हमारी सरकार ने खरीदा. और यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो टॉप मोस्ट सुरक्षा में रहते हैं, उसमें भी किकबैक लिया गया. बीजेपी डिमांड्स कांग्रेस पार्टी नॉट टू मेंटेन ए साइलेंस. इस बार देश जगा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया, इसके बारे में क्या कहना है। सिर्फ डिनायल से काम नहीं चलेगा, प्रमाण है, सरकमस्टेंसेस हैं। और मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, ये जो कमलनाथ के भतीजे हैं ये दुबई भी गए थे और ये मिले थे उनसे, राजीव सक्सेना से, और क्या कहा ये भी आज छपा है। राजीव सक्सेना बोलते हैं, आई हैव बीन सेंट मैसेजेस बाय हिम सिंस द टाइम ही केम टू दुबई इंस्ट्रक्टिंग मी नॉट टू गिव एनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लिंकिंग हिज फादर और हिज अंकल इन एनी मैटर। तो आप हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी के बारे में न कुछ बताइएगा न कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा, क्या ये? तो बहुत ही गंभीर विषय है, कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। एक बात मुझे और कहना है, ये राजीव सक्सेना जो हैं सिर्फ एक ही मामले में किकबैक मैनेज नहीं करते हैं। हमारे जो कई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं उनको याद होगा एक कहानी और हुई थी, पिलाटस डील ट्रेनी एयरक्राफ्ट के लिए, याद होगा आपको, उसमें एक संजय भंडारी का नाम आया था जिनको किकबैक मिला था। ये देश के सामने ये संजय भंडारी कौन है, इनके संबंध किससे किससे हैं, ये भी आना चाहिए। और मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगा, जरा संजय भंडारी के संबंधों की खोजबीन आप करिए, ये भागे हुए हैं, हमारी सरकार की एजेंसी इनको खोज रही है, ये भागे हुए हैं। लेकिन ये संजय भंडारी का पिछली सरकार के बड़े बड़े परिवार के बड़े बड़े लोगों से क्या संबंध है, इसकी भी परख होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जहां भी किकबैक है वहां कांग्रेस के नेता हैं या परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, और किकबैक देने वाली कंपनियां हैं। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, क्या देश के सुरक्षा के लिए खरीदारी में लूट जरूरी थी क्या? नो डिफेंस डील विदाउट ए लूट, नो डिफेंस डील विदाउट ए किकबैक, एंड नो डिफेंस डील विदाउट सम कांग्रेस लीडर्स बिकमिंग द बेनिफिशियरी। बिना लूट के कोई सुरक्षा की डील नहीं, बिना किकबैक के सुरक्षा के संबंधित कोई खरीदारी नहीं। और इन सबों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम आते हैं, उनके उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, और किकबैक मिलता है, ये कहानी है। इसलिए मुझे लगा कि आज विस्तार से बताएं, एजेंसी अपना काम करेगी लेकिन देश के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। इसलिए बीजेपी की ओर से आज विषय को विस्तार से रखा गया और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, ओपन टू क्वेश्चंस। कमलनाथ जी के भतीजे का नाम आ रहा है इसमें, जैसा पहले भी आया था इसमें, तो आज इसमें खुलासा क्या बीजेपी कर रही है? तो ये तो हुआ था, जांच भी चल रही है, आप लोग आरोप भी लगाए थे, आज इसमें क्या खुलासा बीजेपी? खुलासा इसका बहुत स्पष्ट है, इसका एक तो ये विषय व्यापकता से आया है, कोर्ट में स्टेटमेंट है, एक अखबार ने उसको विस्तार से छापा है, हम इसको देश के सामने और ला रहे हैं, और मटेरियल में दिया, आपको बताया है, इतना विस्तार से समझाया है। आप तो सत्ता में हैं सर 6 साल से, तो क्या आपकी सरकार के तौर पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई का जवाब दे दिया कि पहली कार्रवाई तो हमारी सत्ता के आने सितंबर में शुरू हो गई थी, उसके बाद गिरफ्तार हुए, ये क्रिश्चियन माइकल को हमने एक्सट्राडाइट किया, राजीव सक्सेना को एक्सट्राडाइट किया, रतुल पुरी गिरफ्तार हुए, गुप्ता जी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड के कंप्लेंट फाइल करके कंप्लेंट चला गया, कॉग्निजेंस हो गया, बाकी ट्रायल चलेगा, लेकिन देश के सामने बात आनी चाहिए ना, इसलिए आज मैंने उसके साथ और विस्तार से ही बताया। सर जिनके नाम आए हैं उन पे सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करेंगे, जिनका नाम अखबार में आपने जिनका नाम दिया है, ऐसा है आज के अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट को भी देखें बाकी भी देखें, दीज आर मेंशन एंड पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इटसेल्फ, कोर्ट में है रिकॉर्ड, लेकिन एजेंसी अपना क्या काम करेगी वो एजेंसी करेगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन बीजेपी की ओर से हम कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके नेता डिफेंस डील में किकबैक ले रहे हैं, देश के डिफेंस के इंटेग्रिटी को कमजोर कर रहे हैं, इनके लिए कोई विषय है कि नहीं? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन। इन सारे सवालों का जवाब जो आप मांगने वाले बहुत अच्छा सवाल है। FIR कब हुआ? मैं एग्जैक्ट डेट देता हूं, मार्च 2013। ये FIR त्यागी और बाकी के बाद हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग इन कॉपर डील। इसको कैंसिल कब किया? जनवरी 2014। उस समय किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। इसको दबाने के लिए JPC बनाई जाए, इसकी मांग किसने की? 27 फरवरी 2013। किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसमें CBI इंक्वायरी के लिए शुरू में किसने बोला? उनको डांट भी पड़ी होगी एंथोनी साहब ने, उसका डेट मेरे पास है। लेकिन ये सब कहा गया, कार्रवाई कब होती है? सितंबर 2014 में, जब हमारी सरकार आती है। इससे अधिक आपको और क्या बोले? ऐसा है, इस पर मैंने कल विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बहुत अमित शाह जी ने सही लिखा है, ट्वीट किया है कि क्या है उनकी कहानी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तब तक भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 370 को वापस लाने के लिए चीन का भी सहयोग लेंगे। पाकिस्तान से तो दोनों बातचीत की बात कह ही रहे हैं। तो आज आतंकवाद पर बहुत हमारी सेनाएं भारी पड़ी हैं, सुरक्षा भारी पड़ी है। आज वहां के लोग आतंकवाद से उबे हैं, अब लोकल टेररिस्ट नहीं आते। तो ये सब सारी खुराफात उसी के लिए की जा रही है। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.